नमस्कार दोस्तों, डीके मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक रेडमी का फ़ोन है, नो सर्विस लिख के आ रहा है, नेटवर्क इशू है। तो आज हम जैसा कि देख सकते हैं नो सर्विस, तो आज हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये फ़ोन जो है किसी दूसरे दुकान से रिटर्न आया है, तो रेट इस पर आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा ज़्यादा है रिटर्न वाले फ़ोन पे। दोस्तों इसमें 4G PFO ख़राब रहता है तो कभी कभी नहीं आता, इसके लिए हम 2G नेटवर्क सेलेक्ट करके चेक कर लिए थे। चलिए कोई नहीं, फटाफट हम बोर्ड को खोलते हैं, खोल के वीडियो पे आते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं हमने बोर्ड निकाल के पहले काम तो किया हुआ था, लेकिन हमने कोई पार्ट डैमेज नहीं था इसमें। हमने IC को निकाल के उसके पैड को क्लीन कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, देख सकते हैं काम का फिनिशिंग। तो दोस्तों अब इस पे हम IC लगा रहे हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि काम हुआ या नहीं। ये देखिए दोस्तों हमने IC लगा लिया है बिल्कुल परफेक्ट से, और अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही सेट हमने ऑन किया तो नेटवर्क तुरंत आ गया, और ये जो IC है हमने AKT से मंगाया था। देखिए इसका एक बार बैलेंस भी चेक करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों बैलेंस भी चेक हो रहा है और नेटवर्क अच्छा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल DK मोबाइल केयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।